ये देखिए बच्चों, बहुत बढ़िया क्वेश्चन आ गया भाई। क्वेश्चन हमारे पास है, देखिए कैसे दिख रहा है। देखिए पहचानने से तो पहचान नहीं आ रहा है, तो पहले तो पहचान बनाना पड़ेगा, ठीक है ना। क्या करेंगे इसके लिए, एक्स स्क्वायर का मल्टीप्लाई करेंगे। क्यों, हम कौची लिनियर डिफरेंशियल इक्वेशन में जानते हैं, यदि डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर है तो एक्स स्क्वायर साथ में मल्टीप्लीकेशन में होता है, डी वाई बाई डी एक्स है तो एक्स मल्टीप्लीकेशन में होता है। तो एक्स स्क्वायर का मल्टीप्लाइंग बाई एक्स स्क्वायर ऑन बोथ साइड क्या मिलेगा, एक्स स्क्वायर डी टू वाई अपॉन कितना, डी एक्स स्क्वायर प्लस एक्स डी वाई बाई डी एक्स 12 लॉग एक्स, या फिर इसको आप राइट कर सकते हैं एक्स वाई डबल डेस प्लस एक्स वाई डेस इज इक्वल कितना, 12 लॉग एक्स। अब हम क्या सपोज करेंगे, दिस इज कौची लिनियर डिफरेंशियल इक्वेशन, नाउ पुटिंग एक्स इज इक्वल ई पावर जेड इंप्लाइज जेड इज इक्वल लॉग एक्स, यू नो एक्स वाई डेस इज डी वाई, एक्स स्क्वायर वाई डबल डेस इज डी डी माइनस वन ऑफ वाई, वेयर डी इज इक्वल डी वाई डी जेड। ओके प्यारे बच्चों, बस अब इसको इक्वेशन फर्स्ट लीजिएगा, तो इक्वेशन वन बी का हम इस वैल्यूज को पुट करें, आपको क्या मिलने वाला है देखिएगा। एक्स स्क्वायर वाई डबल डेस एक्स स्क्वायर वाई डबल डेस, तो डी डी माइनस वन वाई प्लस डी वाई इज इक्वल 12 जेड, डी स्क्वायर माइनस डी प्लस डी ऑफ वाई 12 जेड, ये कैंसल, डी स्क्वायर वाई 12 जेड हियर। इसमें हो सकता है कुछ मिसिंग है लग रहा है प्यारे बच्चों, चलो जो जो आ रहा है बस उसी को सॉल्व करें। हियर ऑक्सिलरी इक्वेशन इज क्या मिलेगा आपको, एम इज इक्वल कितना हो गया 0 0। अब ये देखिए रिपीट आ गया, तो क्या करेंगे, सी एफ राइट करेंगे, सी एफ होगा सी वन प्लस जेड सी टू ई पावर कितना 0 जेड, तो ये तो फिनिश हो गया, वन हो गया, सी वन और सी टू लॉग एक्स ये आपको मिला। पी आई की बात करेंगे, वन अपॉन डी स्क्वायर ये 12 और ये हो गया जेड, तो वन अपॉन डी स्क्वायर का मतलब हम इसको क्या करेंगे, वन बाई डी का मतलब होता है इंटीग्रेशन, 12 बाहर जेड स्क्वायर बाई टू, फिर अगेन करेंगे 12 बाहर तो जेड क्यूब अपॉन कितना होगा 6, 6 टू जा 2 जेड क्यूब, क्या मिला आपको, पी आई 2 लॉग एक्स होल क्यूब। अब कंप्लीट सॉल्यूशन करेंगे प्यारे बच्चों, y इज इक्वल दोनों को ऐड कीजिएगा, ये आपको कंप्लीट सॉल्यूशन मिल जाना है, ठीक है, समझ में आया, बस इसी ढंग से काम करना है, ठीक है प्यारे बच्चों। ये देखिए अगला क्वेश्चन की ओर चलते हैं, ये हमारा अगला क्वेश्चन है, देखें क्या होगा, देखो इसको हम राइट कर सकते हैं एक्स क्यूब वाई ट्रिपल डेस टू एक्स स्क्वायर y डबल डेस 2y 10 x प्लस 1 बाई एक्स लेट x इज इक्वल ई पावर जेड इंप्लाइज जेड इज इक्वल कितना लॉग एक्स एक्स वाई डेस एक्स वाई डेस डी वाई एक्स स्क्वायर वाई डबल डेस डी डी माइनस 1 वाई एक्स क्यूब वाई ट्रिपल डेस डी
d minus 1, d minus 2 of y, where d is equal कितना dy dz. Equation 1 become putting this value, that is d d minus 1 of y to d d minus 1 to y is equal 10 x e power z plus 1 upon e power z. So d square minus d d d minus 1 d minus 2 y plus, तो यहां पर होगा d d square minus 3d plus 2 plus 2 d square minus 2d of y 10 e power z e power minus z. D cube 3d square 2d 2d square minus 2d plus 2 of y is equal 10 e power z e power minus z. देखिए प्यारे बच्चों, ये जो 2d है और 2d से कैंसिल हो गया, फाइनली आपको मिला d cube minus 3d square plus 2d square minus d square plus 2 of y is equal कितना 10. तो ये आपने कन्वर्जन किया, ये आ गया लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ हायर डिग्री विथ कांस्टेंट कोफिशेंट. बस इसी को आप सॉल्विंग करना है. चलो क्या क्या मिला आपको देखिएगा. हियर ऑक्सिलरी इक्वेशन इज क्या हुआ इसका, एम क्यूब माइनस एम स्क्वायर प्लस कितना 2 इज इक्वल कितना 0. तो एम क्यूब माइनस एम स्क्वायर प्लस 2 इज इक्वल 0. एम इज इक्वल कितना होगा इसका, ये देखिएगा, सॉरी यहां पर आप रखिए 1 रखिए, कितना आएगा माइनस 1 रखेंगे तो माइनस वन प्लस टू, यानी एम इज इक्वल माइनस वन पुट करने पर ये क्या हो रहा है, जीरो हो रहा है. तो एक फैक्टर होगा एम प्लस वन, एम प्लस वन. अब इसमें आप मल्टीप्लाई कीजिएगा, हमको चाहिए एम क्यूब, तो एम स्क्वायर मल्टीप्लाई करेंगे, एम क्यूब प्लस एम स्क्वायर, माइनस एम स्क्वायर चाहिए तो माइनस टू एम स्क्वायर करना होगा, है ना, तभी तो माइनस एम स्क्वायर आएगा. अब ये माइनस टू एम हो गया तो हमको तो एक भी एम नहीं चाहिए, तो प्लस टू एम, प्लस टू इज इक्वल जीरो. तो आपने एम प्लस वन, एम स्क्वायर माइनस टू एम प्लस टू इज इक्वल जीरो पाया. ठीक है प्यारे बच्चों, बस इसी ढंग से काम करते जाना है. क्या मिला इसमें देखो, एक एम प्लस वन इज इक्वल जीरो मिला, एक एम स्क्वायर माइनस टू एम प्लस टू इज इक्वल जीरो मिला. तो इसके लिए क्या हो गया, एम इज इक्वल माइनस वन, इसके लिए क्या हो गया, फिर से वही क्वाड्रेटिक इक्वेशन आ गया, माइनस बी प्लस माइनस स्क्वायर रूट बी स्क्वायर माइनस टू ए सी अपॉन टू, है ना, टू ए फोर सी अपॉन टू ए सॉरी. तो ये कितना हो जाएगा, टू प्लस माइनस स्क्वायर रूट कितना फोर, टू का स्क्वायर फोर, फोर टू जा एट, डिवाइडिंग बाई कितना टू. तो आपने पाया टू प्लस कितना, ये हो गया माइनस फोर डिवाइडिंग बाई टू इज इक्वल टू प्लस माइनस कितना हो गया टू आई अपॉन कितना टू, और टू से कैंसिल करेंगे वन प्लस कितना हो जाएगा आई. हम एम इज इक्वल क्या पाए माइनस वन, और एक हम एम इज इक्वल वन प्लस आई पाए, तो सी एफ जो राइट करेंगे क्या होगा, सी वन ई पावर माइनस जेड, सी टू ई टू दी पावर वन प्लस आई जेड प्लस सी टू ई टू दी पावर वन माइनस आई जेड. चलो अब इसको क्या करो, सी वन ये हो जाएगा कितना एक्स टू दी पावर माइनस वन, और सी टू यहाँ पर ई पावर जेड को बाहर कर देता हूँ, सी टू एक क्या हो जाएगा हमारे पास कास में, और एक क्या हो जाएगा साइन में. अब जेड का वैल्यू डाल दो प्यारे बच्चों, तो सी वन अपॉन एक्स हुआ, ये होगा एक्स सी वन काज लॉग एक्स प्लस सी थ्री ए सी टू सॉरी सी थ्री साइन लॉग एक्स. चलो ये हमने सी एफ फाइंड कर लिया प्यारे बच्चों. अब सी एफ तो आपने निकाल लिया, पी आई निकालेंगे. तो पी आई के लिए हम क्या करेंगे देखो, वन अपॉन एफ डी, और ये हो गया x. तो एफ डी कितना हमारे पास, डी क्यूब माइनस डी स्क्वायर प्लस कितना 2,
और ये आपके पास कितना है, 10 ई पावर जेड प्लस ई पावर माइनस जेड। ओके चलो, टेन ई पावर जेड प्लस ई पावर, इसको आपने जो फैक्टराइज किया है उसी में कन्वर्सन कर देते हैं। कैसे करेंगे भाई, एक हमको मिला था डी प्लस वन और दूसरा डी स्क्वायर माइनस टू डी प्लस कितना था, टू। अब ये देखो, इसको अलग अलग करेंगे, एक टेन, ऐसा करते हैं हम टेन को अलग कर लेते हैं, इसको अंदर ले गए, ई पावर जेड आया और एक आया डी प्लस वन डी स्क्वायर माइनस टू डी प्लस टू और ई पावर माइनस जेड। तो बच्चों देखिए, आप एक फार्मूला राइट किए थे, याद करो क्या फार्मूला था आपके पास, वन अपॉन एफ डी और ई पावर एक्स था, तो डी को रिप्लेस किए थे ए से, डी को रिप्लेस किए से कितने, किसे, ए से ई पावर एक्स, बट इफ ए नॉट इज इक्वल क्या होना चाहिए, जीरो, जीरो नहीं होना चाहिए। अब देखो मैं यहां पर रखूंगा, यहां पर प्लेस्ड करूंगा तो क्या जीरो हो रहा है क्या, देखो यहां रखने से वन रखिएगा तो वन रखेंगे तो कितना आएगा यहां पर, ये तो निकल जाएगा वन माइनस टू प्लस टू, तो नहीं आ रहा है जीरो, मतलब ही निकल गया, समझो, वन प्लस वन, वन माइनस टू इंटू वन प्लस टू ई पावर जेड, ये निकल गया। इसमें माइनस वन रखने से हो रहा है तो इसको रोक देते हैं, बाकी जिसमें रखने पर जीरो हो रहा है रोक दो, और इसमें तो नहीं होगा, माइनस वन का स्क्वायर कितना हो जाएगा, वन माइनस प्लस टू प्लस टू ई पावर माइनस जेड, यानी हम रिप्लेस किए इसको, तो टेन कितना हो जाएगा, टू टू कैंसल वन, तो वन अपॉन टू ई पावर जेड आया। यहाँ पर देखिए फाइव, और वन अपॉन डी प्लस वन का फार्मूला हम से क्या जानते हैं, ये फाइव है इसका, ये देखो फाइव निकाल दिया, इसके लिए एक फार्मूला है प्यारे बच्चों, डी प्लस अल्फा है ना क्यू, तो क्या हो जाएगा ई पावर माइनस अल्फा पहले प्लस बाद में, इस फार्मूला को अप्लाई करो तो यहाँ पर प्लस है तो ई पावर माइनस जेड इंटीग्रेशन ई पावर जेड ई पावर माइनस जेड, आपने पाया टेन, वन अपॉन फाइव, ये जीरो हो जाएगा, जीरो मतलब वन, तो कितना आ जाएगा, टेन का मल्टीप्लाई करेंगे फाइव ई पावर जेड आएगा, फाइव टू जा टेन, टू ई पावर माइनस जेड और जेड, तो चलो इसका वैल्यू रखो फाइव एक्स, टू एक्स पावर माइनस वन लॉग एक्स, तो फाइनली हमने पाया बच्चों फाइव एक्स प्लस कितना, टू लॉग एक्स अपॉन कितना एक्स। अब y इज इक्वल सी एफ प्लस पी आई कीजिएगा, आप कंप्लीट सॉल्यूशन पाएंगे। आया बच्चों समझ में, बस इसी ढंग से काम करना है, ठीक है ना। चलिए देखिए अगला क्वेश्चन की ओर चलते हैं, सब सेम क्वेश्चन है लगभग, देखिएगा यहां भी क्या कीजिएगा, लेट z इज इक्वल, यहां पर आप इसको ना सिंबॉलिक फॉर्म में और ऐसा राइट कर लो y डबल डैश टू एक्स वाई डैश, सब सिंपल है प्यारे बच्चों, बस थोड़ा सा ध्यान देना है। देखो बहुत सारे क्वेश्चन मैंने करवा दिया आपको, जेड इज इक्वल एक्स इज इक्वल कितना, जेड इज इक्वल लॉग एक्स, सब वही है, एक्स वाई डेस डी वाई, एक्स स्क्वायर वाई डबल डेस डी 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 माइनस वन वाई, डी इज इक्वल डी वाई डी जेड, बस इतना तो लिखना है। अब क्या कीजिएगा, अब इस पूरे को वैल्यू इसमें रखिए, इक्वेशन वन भी कम, क्या मिलने वाला है, डी डी माइनस वन ऑफ वाई टू डी वाई वाई इज इक्वल, ये कितना हो गया जेड क्यूब, क्या आ गया डी स्क्वायर माइनस डी माइनस टू डी प्लस वन ऑफ वाई इज इक्वल कितना जेड क्यूब,
ये देखिए कितना हो जाएगा इसका, डी स्क्वायर माइनस थ्री डी, सॉरी प्लस वन है बच्चों, प्लस वन ऑफ वाई इज इक्वल जेड क्यू। हियर ऑक्सिलरी इक्वेशन इज एम स्क्वायर माइनस थ्री एम प्लस वन, एम इज इक्वल माइनस बी प्लस माइनस स्क्वायर रूट बी स्क्वायर माइनस फोर ए सी अपॉन टू है। तो एम इज इक्वल कितना आ गया, थ्री प्लस माइनस रूट फाइव अपॉन टू। चलो अब इसको आगे बढ़ाओ, सी एफ राइट करो, सी वन ई पावर थ्री प्लस रूट फाइव अपॉन टू जेड, सी टू ए टू दी पावर थ्री माइनस रूट फाइव अपॉन टू जेड। क्या हो जाएगा इसका, ई पावर थ्री बाई टू जेड को बाहर किया मैंने, और सी वन ई पावर रूट फाइव जेड प्लस सी टू ई पावर माइनस रूट फाइव जेड। चलो वैल्यू लग दो इसका, तो इस आई में रहता तो कास में बदलते हैं, ये हाइपरबोलिक बदलेगा लेकिन हम नहीं बदल रहे हैं, ठीक है। ये हो गया ई पावर जेड एक्स एक्स, ऐसे कर लो, चलो ई पावर जेड, ई पावर जेड। अब इसके जगह में इसके प्लेस पर हम क्या रखेंगे, एक्स, तो एक्स टू दी पावर थ्री बाई टू, सी वन एक्स टू दी पावर रूट फाइव, सी टू एक्स टू दी पावर माइनस रूट फाइव। ये हमने पी आई निकाल लिया, सॉरी सी एफ निकाल लिया। अब कहाँ चलेंगे, पी आई की ओर। तो पी आई के लिए क्या करेंगे, वन अपान डी स्क्वायर, कितना है अपने पास, डी स्क्वायर माइनस थ्री डी प्लस वन। डी स्क्वायर माइनस थ्री डी जेड क्यूब। अब जेड, हाँ जेड क्यूब, एक मिनट बच्चों, स्क्वायर है कि क्यूब है, जेड क्यूब है, ठीक है, ओके। तो देखो आपको मालूम है जब कभी एक्स होता है ना, तो हम लोग इसको बाइनोमियल में यूज करते हैं, इसके लिए हम लोग बनाते हैं वन प्लस एफ डी पावर माइनस वन, याद है ना, एक्स टू दी पावर। तो यहां पर हम फार्मूला लगाएंगे एन एक्स एन एन माइनस वन वन इंटू टू एक्स स्क्वायर, बाइनोमियल थ्योरम इसको यूज करेंगे। तो इसके लिए हम तैयारी कर लेते हैं, इसको ऊपर ले जाऊंगा तो क्या मैं डी स्क्वायर माइनस थ्री डी टू दी पावर माइनस वन राइट कर सकता हूँ जेड क्यूब। अब इसको बाइनोमियल थ्योरम से इसको क्या करो, एक्सपांड करो, एक प्लस एक माइनस होगा तो डी स्क्वायर माइनस थ्री डी, फिर प्लस डी स्क्वायर माइनस थ्री डी होल क्यूब माइनस डी स्क्वायर माइनस थ्री डी, सॉरी ये होल स्क्वायर है प्यारे बच्चों, होल स्क्वायर, एक प्लस एक माइनस जेड क्यूब। तो जो जो नीड है ये तो आएगा, डी स्क्वायर भी आएगा माइनस थ्री डी भी आएगा, प्लस हो जाएगा, इसमें क्या आएगा डी पावर फोर तो जीरो हो जाएगा, थ्री डी स्क्वायर मतलब नाइन डी स्क्वायर आएगा यहाँ से, माइनस सिक्स डी क्यूब ये पूरा आएगा। इसमें क्यूबिक में देखो बाकी तो सब हो जाएगा, थ्री थ्री जा नाइन थ्री जा ट्वेंटी सेवन, यानी माइनस ट्वेंटी सेवन डी क्यूब बस आएगा, बाकी सब जीरो हो जाएगा प्यारे बच्चों, याद रखिएगा। क्योंकि आपको मालूम है यदि पावर थ्री है उससे ऊपर यदि डिफ्रेंशिएट करते हो तो जीरो होना है। तो यहाँ पर क्या आया, एक बार और राइट करते हैं, वन प्लस थ्री डी माइनस डी स्क्वायर यानी एट डी स्क्वायर, और ये हो जाएगा थर्टी थ्री डी क्यूब। चलो अब जेड क्यूब को अंदर ले जाओ और उसको डिफ्रेंशिएट कर दो, डायरेक्ट मैं कर देता हूँ बच्चों। तो पहला जेड क्यूब आया थ्री डी जेड क्यूब, कितना होगा यहाँ पर लिख दो, डी जेड क्यूब होगा थ्री जेड स्क्वायर, फिर डी स्क्वायर जेड क्यूब होगा सिक्स जेड, और थ्री डी जेड क्यूब होगा सिक्स, और पावर फोर आगे जाएगा तो ये कितना होगा जीरो, ये इस ढंग से आएगा। मैंने रख दिया, यह आ जाएगा थ्री जेड स्क्वायर एट इंटू सिक्स जेड
33 इंटू कितना 6, ये हो गया। अब जेड का वैल्यू डालना है तो डायरेक्ट मैं रख देता हूँ लॉग एक्स होल क्यूब 9 लॉग एक्स होल स्क्वायर 48 लॉग एक्स माइनस 198। तो बच्चों कंप्लीट सॉल्यूशन होगा वाई इज इक्वल सी ए प्लस कितना पी आई। आया समझ में? बस इसी ढंग से काम करना है प्यारे बच्चों, याद रखिएगा ठीक है। तो देखिए और भी क्वेश्चन हमारे पास है, ये आप बना लीजिएगा, कुछ नहीं करना है, बस इसमें रखिएगा है ना, बदलिएगा और इस ढंग से बन जाना है ठीक है। तो ये क्वेश्चन आपको करना है, आपके लिए मैं वर्क दिया हूँ प्यारे बच्चों, कुछ नहीं बदलेगा यहाँ पर, ये किस में बदलेगा ई पावर जेड और कितना जेड में। तो इसके लिए आप कौन सा फार्मूला अप्लाई करोगे ये भी बता देता हूँ, 1/FD ई पावर एक्स इंटू कितना वी, तो ई पावर एक्स इंटू वी, ई पावर एक्स को साइड करना, जो भी आया डी के प्लेस पर डी प्लस ए रखना और यहाँ से आप वी के हिसाब से सॉल्व करना। तो ये फार्मूला लगाना पी आई के लिए, बाकी तो आप बना सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। तो बच्चों मुझे उम्मीद है मेरा क्लास ये आपको पसंद आएगा और आ भी रहा होगा, बस इसी ढंग से काम करते चलना है ठीक है प्यारे बच्चों। यदि अच्छा लगा तो लाइक शेयर सब्सक्राइब तो बनता है ना, बिल्कुल बनता है ठीक है प्यारे बच्चों, कीजिएगा। धन्यवाद, नमस्कार।